नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल नयन जी के वर्ल्ड में। आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश पर्यटन स्थल से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं टीकमगढ़ ज़िले से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसीलिए आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और यूँ ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट होने के साथ साथ सेलेक्टेड भी है। पहला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ ज़िले का क्षेत्रफल कितना है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कितना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3878। इम्पोर्टेंट है तो टीकमगढ़ ज़िले का क्षेत्रफल कितना है, 3878। इम्पोर्टेंट है, यदि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ ज़िला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सागर संभाग। तो टीकमगढ़ ज़िला मध्य प्रदेश के किस संभाग के अंतर्गत आता है? सागर। इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ ज़िले में किस मेले का आयोजन किया जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कुंडलेश्वर मेला। तो टीकमगढ़ ज़िले में किस मेले का आयोजन किया जाता है? कुंडलेश्वर मेला। इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ ज़िले में कौन सा किला स्थित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गढ़ कुंडार का किला। इम्पॉर्टेंट है, तो टीकमगढ़ ज़िले में कौन सा किला स्थित है? गढ़ कुंडार का किला। इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ज़िले की सीमा टीकमगढ़ को नहीं छूती? काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विकल्प ए और सी। इम्पॉर्टेंट है, तो कौन सी जो ज़िला है वो टीकमगढ़ को नहीं छूती? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और सी, दमोह और सागर। इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ ज़िले में स्थित औद्योगिक केंद्र का नाम बताइए। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रतापपुर। इम्पॉर्टेंट है, तो टीकमगढ़ ज़िले में स्थित औद्योगिक केंद्र का नाम क्या है? प्रतापपुर। इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ ज़िले में कौन सी नदी प्रभावित होती है? बताइए कौन सी नदी प्रवाहित होती है टीकमगढ़ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतवा। तो टीकमगढ़ ज़िले में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? बेतवा। इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ ज़िले में स्थित स्टेडियम का नाम बताइए। क्या होगा इसका सही आंसर? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नारायण दास हॉकी स्टेडियम। तो टीकमगढ़ ज़िले में कौन सा स्टेडियम है, याद रखिए, नारायण दास हॉकी स्टेडियम। इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ की सीमा किस राज्य से लगती है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। इम्पॉर्टेंट है, तो टीकमगढ़ की सीमा किस राज्य से लगती है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ ज़िले को क्या कहा जाता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तालाबों का ज़िला। इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ ज़िले में कौन सा ज़िला बनाया गया? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निवाड़ी। इम्पॉर्टेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ ज़िले में कौन सा मंदिर
प्रसिद्ध है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो टीकमगढ़ में कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुंडलेश्वर महादेव मंदिर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बलदेवगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विक्रमजीत ने, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ जिले से किस नदी का उद्गम होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्पावती, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध तालाब का नाम बताइए? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्र सागर, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ जिले में प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल कौन सा है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पापोरा जी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ जिले में प्रसिद्ध राजनेता का जन्म हुआ था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो किसका जन्म हुआ था टीकमगढ़ में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुश्री उमा भारती का, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ जिले में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो। तो टीकमगढ़ जिले में कितनी विधानसभा सीट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ किस नदी के किनारे पर स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जमडार, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीकमगढ़ लोकसभा सीट के लिए कितनी किसके लिए सीट आरक्षित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, SC। इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।